मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप क्लास सिक्स में थ्रेसिंग के बारे में समझेंगे। थ्रेसिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक्स। थ्रेसिंग जो प्रोसेस होती है वो सीड्स से हार्वेस्टेड यानी काटने के बाद उसके स्टॉक से अलग करने के काम में आती है। दिस हेल्प इन सेपरेटिंग द ग्रेन्स। ये ग्रेन्स अनाज को सेपरेट करने के काम में आते हैं। फिर आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर सेपरेटिंग कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड विच आर, आगे देखेंगे, इनसॉल्यूबल इन द लिक्विड। सेडिमेंटेशन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स एट द बॉटम इन ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी जिसमें जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो वेट की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर आता है डिकेंटेशन, क्या होता है इस पर ध्यान देंगे। डिकेंटेशन में है द ट्रांसफर ऑफ क्लियर लिक्विड्स फ्रॉम द कंटेनर कंटेनिंग द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर टू एनदर कंटेनर। सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर होते हैं वो दूसरे कंटेनर्स की सहायता से जो हल्की मात्रा में हल्के वेट में होते हैं तो वो तैर के उसके पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ सेंड इन मडी वाटर। जो मडी वाटर होता है, जो उसमें छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लोडिंग, क्या होता है इस पर ध्यान देंगे। द फाइनल पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाई डिजोल्विंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन मडी वाटर। जो एलम होता है मडी वाटर में, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसकी में एक लेयर सी बन जाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग, उसे हम लोडिंग बोलते हैं। फिर आता है फिल्ट्रेशन, क्या होता है ध्यान देंगे। फिल्ट्रेशन में है, इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्यूबल सॉलिड। छोटे से ये अच्छे पार्टिकल्स इनसॉल्यूबल सॉलिड होते हैं फ्रॉम द लिक्विड, जिन्हें हम लिक्विड से अलग करते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर्स इज अलाउड टू पास थ्रू ए फिल्टर। इसमें ये जो सेपरेटिंग मिक्सचर होता है वो फिल्टर पेपर से हर एक चीज़ को अलग कर पाता है। दिस मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो अप्लाइड टू सेपरेट सीड्स, ये सीड्स को सेपरेट करने के काम में, एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम देयर जूसेज, उनके जूस होते हैं, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज़ या पनीर, पनीर और इसे भी इससे अलग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट ए सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एवेपोरेशन प्रोसेस में सोल्यूबल सॉल्यूशन होते हैं जो सॉलिड की सहायता से अलग होते हैं एक वेपर के रूप में। एवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाई हीटिंग। ये एवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है वो जल्दी से होने वाला एक प्रोसेस होता है, जो हीट गर्म किया जाता है। द सॉल्यूशन को गर्म करने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। वी नो दैट वाटर कन्वर्ट्स इंटू वेपर। हम जानते हैं कि वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। हम इस प्रोसेस को एवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, इन ए फ्यू डेज द वाटर एवेपोरेट्स कम्प्लीटली। और इस तरह से वाटर एवेपोरेट होता है कम्प्लीटली, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। ये इस तरह से ये अलग हो जाता है और इसका सॉल्ट की मात्रा अलग निकल जाती है। दिस सॉल्ट इज फर्दर प्योरीफाइड फॉर कॉमन यूज। इस मेथड से जो सॉल्ट निकाला जाता है उसे कॉमन यूज के लिए प्योरीफाई करके आगे काम में लाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।